ओके दिस इज लवली कम एवरीबॉडी वी डोंट हैव मेनी स्टूडेंट्स जॉइनिंग एंड वी हैव ओनली 77 हमारे पास तो इसका डबल फिगर होना चाहिए आई होप दे आर ट्राइंग टू जॉइन द मीटिंग सबसे पहले तो वन ऑफ यू वांटेड मी टू रिवाइज द नर्व्स इन द मीडियास्टनम

तो आपकी फाइनल स्टेट्स पहले आज मैं आपके पेपर्स भी चेक करने की कोशिश करूंगी क्यूज तो आज कल तक वो हो जाएंगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा है, नुमान सामा का एक बेसिक जो टेबल बना हुआ है आपकी बुक में जो थॉरक्स की जॉइंट्स का वो बहुत अच्छा टेबल है लेकिन आप खुद भी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं री uh, डिफिकल्ट आपको थोड़ा सा उसको के करने में कभी कभी मुश्किल होती है लेकिन आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन चाहिए मॉडिफाई कर लें तो नॉट वेरी डिफिकल्ट और क्योंकि बाकी जॉइंट्स तो आपको पता है होते कौन कौन से उनकी टाइप्स जो हैं वो भूल जाती हैं बार बार तो वो रिवाइज करने की जरूरत होती है तो अपने हिसाब से उसको मोडिफाई कर ले तो आसानी रह जाती है ओके नर्व हम शुरू करते हैं नर्व्स जो, है, जो है मीडिया बेसिकली जो भी एंटर होंगी ऑब्वियसली सुपीरियर थोरैसिक के परचेस है एंटर होंगी फ्रॉम द नेक अब इनके कोर्स में डिफरेंस ही आता है राइट एंड लेफ्ट साइड में कि रूट ऑफ द नेक में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सिमेट्री नहीं है राइट एंड लेफ्ट साइड में डिफरेंसेस हैं व्हाई देयर डिफरेंसेस बिकॉज़ आर्क ऑफ एओर्टा देयर इज ओनली वन एओर्टा आर्क ऑफ एओर्टा इज प्रेजेंट इन द सुपीरियर मीडियास्टनम अब आर्ट से जो तीन आर्टरीज निकलती हैं बेसिकली इफ यू कैन सी दिस डायग्राम मैं स्लाइड शो कर देती हूँ ओके okay. अब ये आप देख रहे हैं दिस इज है द दर्च ऑफ फियोटा आर्च एओर्टा से तीन बेसिक जो आर्टरीज निकलती हैं वो एक ब्रेकि ट्रंक है गोइंग टू तो वर्स द राइट साइड उसके बाद लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट कॉमन के है और लेफ्ट सबक्लेवियन है ठीक है ये जो राइट ब्रेकि आर्टरी है ये जाके फिर डिवाइड करती है राइट सबक्लेवियन में और राइट कॉमन लेफ्ट साइड में और लेफ जो से निकलती है. तो इस वजह से क्या होता है कि इनके कोर्स में इनके जो रिलेशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है राइट और लेफ्ट साइड का ठीक है ना तो अब आपने दो तीन चीजें जो है बड़ी बेसिक है याद करनी है इनके कोर्स में इफ यू हैव टू राइट द कोर्स

Uh, आ जाती है आपके सुपीरियर सुपीरियोमीडियानम के रीजन में इट कोर्सिस जस्ट बिलो इट आर्स बिलो दी आर्च ऑफ एयोटा तो अब भी अगर आप राइट और लेफ्ट साइड का जो मैं आपको मेजर डिफरेंसेस बताने लगी थी उसमें क्या है कि वेगस नर्व राइट एंड लेफ्ट साइड पे दोनों दे आर प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड और जो फ्रेनिक नर्व्स हैं दोनों वो लेटरल साइड पे होंगी तो आप डिसेक्शन करें या देखें या देखें अगर आपको ऑस्पी में पिंस लगी होती है और आपको आइडेंटिफाई करना अगर होता है एक तो उनमें या उनमेंट करना है नर्व कोई जा रही है और आपको समझ नहीं आ रही कि वेगस है कि फ्रेनिक है तो आपने दोनों को ये देखना है कि वेगस नर्व जो है वो दोनों मीडियल साइड पे होंगी जो फ्रेनिक नर्व है दे आर गोइंग टू बी ऑन द दैटरल साइड बोथ साइड में लैटरल साइड पे होंगी तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रेनिक नर्व इज गोइंग टू पास एंटीरियर टू द रूट ऑफ द लंग तो रूट ऑफ द लंग कहाँ पे आएगा आपके नीचे जाके इनफीरियर मेडियाम में आएगा ठीक है ना तो रूट ऑफ द लंग ऊपर से जब आप देखेंगे नर्व इज पासिंग ऑन द लेटरल साइड और एक नर्व आपको मिडिल साइड में नजर आ रही है राइट right साइड पे तो लेटरल साइड वाली फ्रेनिक है एंड और आप इसको जरा कन्फर्म करना चाहें तो इट इज गु पास इंटीरियर टू द रूट ऑफ द लांग जो बेगस्ट नर्व है दोनों दे पास पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द लांग ठीक है एक तो ये बड़ा डिफरेंस हो गया अब आप इनके आज कोर्स में वेगस नर्व क्या करती है इट बिटवीन दी ये जो कॉमन रोटेड होती है ना ये ऊपर से जब नेक में आ रही होती है तो ये आ, वेगस नर्व उसके साथ साथ आती है या पोस्टीरियरली आप कह लें वेगस नर्व जो है वो कॉमन के रोटेड के पोस्टीरियरली होती है ये यहाँ पे आपको वेगस नर्व नजर आ रही है और ये कॉमन के रोटेड है तो ये इट लाइज क्योंकि वहां पे एक होती है जिसके अंदर एक कॉमन आर्टरी होती है तो ये येड जो आर्टरी होती है उसके पोस्टीरियर साइड पे कॉमन करोटेड के वेगस नर्व जो है वो आती जाएगी और उसके बाद जो वेगस नर्व है इट इज गोइंग टू पास पोस्टीरियरली पोस्टीरियर टू द ये आपको क्या नजर आ रही है राइट ब्रेक की नजर आ रही है और यहाँ पे

इसोफेजियल प्लेक्सिस बनाएगी इसोफेजियल प्लेक्सिस बनाती है अराउंड दी सोफेगस ऑब्वियसली जो लेफ्ट वाली वेगस नाव है दैट फॉर्म्स अ प्लेक्सिस ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द सोफेगस एंड द राइट वेगस नाव फॉर्म्स अ प्लेक्सिस ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द इसोफेगस अब वहां पे इसोफेजियल प्लेक्सिस भी बनाएगी फिर वेगस नाव ने आपको पता है कि

इसको और राइट साइड पे करें राइट साइड टू द द्रेक्योफेलिक वेन एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सुपीरियर वे नेवा ये इसके साथ साथ आप देखें तो ये दोनों के लेफ्ट साइड भी आप कह सकते हैं राइट है तो राइट साइड भी कह सकते हैं तो इट ऑन द राइट साइड ऑफ ब्रेक्योफेलिक वेन राइट ब्रेक्योफेलिक वेन एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सुपीरियर वे नकेवा और जब ये नीचे पहुंचती है इन द मिडिल तो इट पास

and it is going to pass uh, uh, through the um, aperture of inferior vena cava at the level of T8. Aperture se kyun pass karti hai? Because it has to supply the under surface also. Jo inferior surface hai diaphragm ki, wahan pe ja ke zada uh, in, hai, hai? ye right nerve supply deti hai. इसने सेंसरी भी देनी है और मोटर भी देनी है ठीक है ये तो हो गई आपकी राइट फ्रेनिक नर्व की बात जो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है इट पासिस ऑन द लेटरल साइड Of the vagus nerve. Vagus nerve आपको नजर आ रही है, कि ये, ये जो के रोटेड है और सब एक और डायग्राम आपको दिखाऊँ तो ये अच्छा ये साइड ये वेगस नव जो है यहाँ पे जा रही है ये लेफ्ट लिकरन ली यहाँ पे वेगस नव से निकलती है और आपको पता चलेगा अच्छा दिस इज इट अच्छा जी ये आपको नजर आ रही है अ वेगस नर्व ठीक है तो वेगस नर्व जो आ आ है जा रही है बिटवीन द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ऑन द कॉमन कैरोटेरी थोड़ा से पोस्टीरियर साइड पे होती है व्हेन इट पासस एंड देन पासस पोस्टीरियर टू द लेफ्ट ब्रेचियोसेफेलिक वेन और इंटीरियर टू द आर्च ऑफ एओर्टा उसके बाद जो फ्रेनिक नर्व है इट इज ऑन द लैटरल साइड एंड इट इज ऑन द लैटरल साइड ऑफ द लेफ्ट स

राइट साइड right पे तो मैंने आपको बता दिया था लेफ्ट साइड पे इसकी एक ब्रांच रिकर्णजिल नाव है लेफ्ट फ्रॉम दू नजर आ रही है रिकरण वापस जाती हुई जो राइट वेगस नव है दिस गिवस अ ब्रांच राइट रिकरण निरंजियल नाव दोनों साइड पर ब्रांच देती है लेकिन राइट right वाली जो है वो सबक्लेविन आर्टरी के नीचे से आर्च करती हुई इट गो सुपीरियरली रिकरेंट है तो इट हैज टू गो बैक सुपीरियरली तो ये राइट आर्टरी है इसके नीचे से ये आर्च करके ऊपर चली जाती है तो सब क्लेविन क्योंकि रूट ऑफ द नेक में है तो इट दस नॉट एंटर रीजन वाइल द लेफ्ट रिकरेंट लरेंजियल नर्व ये लेफ्ट वेगस नर्व जा रही है तो इसकी जो रिकरेंट रिकार नर्व है इट अराइजेज फ्रॉम

<coughs> ये वेगस नर्व है और ये फ्रेनिक नर्व है अब इन दोनों के दरमियान में एक वेन गुजरती है इन दोनों को जो सेपरेट करती है वेन वो कौन सी वेन है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन अब लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन जो है वो आ, कौन सी होती है जो सेकंड थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से कम इंटरकोस्टल वेन जो वो कंबाइन करके लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बना देती है तो यहाँ इस लेवल पे

दे इस इन दोनों नर्व्स के कोई ज्यादा हमारे पास डायग्राम्स है नहीं जो डायग्राम्स थे मैंने आपको निकाल के दिखा दिए अच्छा ये आपको नजर आ रहे वेगस नर्व आ, ये जो जा रही है ये वेगस नर्व है और आर्च ऑफ एटा के नीचे नर्व इसने दे दी ये, दिस इज वेगस नर्व ऑन द राइट साइड दिस इज द फ्रेनिक नर्व ऑन द लेटरल साइड ऑफ द वेगस नर्व और इट पास, इज पासिंग राइट फैले को नीचे जब वेना केवा बन जाता है तो यहाँ बन जाता है दिस इज प्लेक्सिस अराउंड बाय नर्व इंटीरियर वाली जो है दैट इज फॉर्म वेगस नर्व और पोस्टीरियर प्लेक्सिस राइट वेगस नर्व अच्छा जी तो दिस इज अबाउट यहाँ पे मैंने डायग्राम में मैंने ढूंढने की कोशिश की वो दिस इज द लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल ठीक है ये लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल है और इसके सामने से इट इज क्रॉसिंग द लेफ्ट फ्रेनिक ये आप ये जो फ्रेनिक नाव है इट इज क्रॉसिंग द सुपीरियर लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल और जो वेगस नाव है वो उसके पीछे से जा रही है ये अगर आपको नजर आ रही है दिस इज द वेगस दाव तो uh, पोस्टीरियर अगर आप देखें तो इन uh, तो तीनों चीजों का, का है वो ये है पहले एंटीरियरली वी द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व हैव द लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड देन हैव वेगस नर्व तो ये यहाँ पे आपने ये रिलेशन याद रखना है दूसरा वेगस नर्व लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सेमन लेफ्ट कॉमन के दरमियान से आएगी और तो केम uh, का बहरल जो भी आप लिखे uh, कर दें कि आपने कौन सी बुक्स से पढ़ा है और डिफरेंस uh, इतना होता नहीं है लेकिन कई दफा छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस बुक्स में आ जाते हैं तो अगर आप अगर कंफ्यूज हो या आपको ये लगे कि मैं गलत ना लिख रहा हूँ तो आपने जिस बुक से पढ़ा है यू कैन ऑलवेज मेंशन कि आपने तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व हम दोबारा कर लेते हैं तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो है इट पासस थ्रू द सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर इनटू द सुपीरियर मेडियास्टिनम इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आपको नजर आ रहा है ठीक है वहां से इट पासस देन इट पासस

इतना लिख देना काफी है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी दो तीन जो इसके है लंग के साथ, और रूट के साथ। और, um, जब आप करें तो आर्टरी के लैटर uh, साइड uh, ये आपने दो तीन पॉइंट्स अगर लिख दिए तो बाकी तो इट्स ओके तो यहाँ पे सप्लाई अगर आपको कोर्स लिखना आ जाए तो ठीक है सप्लाई लिखना आ जाए तो पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करती है मीडियास्टिनल पूरा को भी सप्लाई करती है डायफ्राम को तो करना ही करना है मेन फ्रेनिक नर्व का काम ही है mm, अच्छा राइट फ्रेनिक नर्व राइट फ्रेनिक नर्व में सिमिलरली इट इज ऑन द लैटरल साइड तो लैटरल साइड ऑफ द वेगस नर्व एंड इट एंटर्स द सुपीरियर थोरसिक इट एंटर्स द थोरैक्स थ्रू सुपीरियर थोरसिक अपर्चर इनटू द सुपीरियर मीडियास्टिनम इट लाइज ऑन द लैटरल साइड या आप राइट right साइड कहें या लैटरल साइड कहें दोनों ठीक है राइट साइड ऑफ द राइट ब्रेकिफेलिक वेन एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सुपीरियर वेने केवा इट क्रॉसेज इन राइट एट्रियम एंड इट क्रॉसेज एंटीरियर टू द रूट ऑफ द लंग ये लिखना बहुत जरूरी है देन इट क्रॉसेज द राइट एट्रियम इट इज इन फ्रंट ऑफ द राइट एट्रियम and then it uh, passes through the,

And then it enters the, it also it supplies, it gives branches to cardiac plexus, it gives branches to pulmonary plexus, uh, then it enters the abdomen uh, along with the esophagus in the through the esophageal um, hiatus of the diaphragm, which lies at the level of T10. ये हो गया राइट वेगस नर्व का रिपीट हो गया अच्छा जी ये दो तीन डिफरेंसेस इनके इम्पोर्टेंट है और यही हमारी जो नर्व्स है ये इम्पोर्टेंट है इसमें वेगस नर्व है फ्रेनिक नर्व है लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ठीक है आ, बाकी तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है नर्व्स आपने कहा था तो नर्व्स मैंने आपको रिवाइज करा दी है अच्छा जी इसके अलावा और क्या आप रिवाइज करना चाह रहे हैं हार्ट की कुछ आप टॉपिक्स रिवाइज करना चाह रहे हैं तो हम हार्ट के कोई टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं ये तो कोर्स हो गए ठीक है तो मैं अगर ओके न्यूरो वेस्कुलेचर ऑफ लंग्स एंड प्लूरा वो फिर मुझे स्क्रीन शेयर दो

Uh, जो प्लूरा में होते हैं वो सप्लाई करते हैं पे अपर वाला जो है वो टी वन टू थ्री फोर फाइव इसी तरह नीचे चला जाएगा जो है, का क्या है? जो सेंट्रल पार्ट है का, ये बात हो रही है ना ठीक है और जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ uh, द डायफ्रेगमेटिक प्लूरा है दैट इज बाय द लोअर सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स

हो गया उसके बाद आप आ जाते हैं स भी, भी होते हैं जो पैरासिम्पैथैटिक है अभी हमने बात की थी कि वेगस नर्व के थ्रू ये, ये पैरासिंपेथेटिक फाइबर्स जाते हैं डोसल न्यूक्लियस वेगस नर्व का ब्रेन स्टेम में है वहां से फाइबर्स निकलते हैं प्री गैंग और फिर ये जाते हैं

जो पैरा वर्टिपल चेन गैंगलियन है सिंपथेटिक का दे रीच दैट एरिया वहां कैसे पहुंचते हैं थ्रू वाइट रेमस कम्युनिकेटिंग ब्रांच दे एंटर द पैरा वर्टिपल सिंपथेटिक चेन गैंगलियन वहां से ये सिनेप्स होता है और फिर दे पोस्ट सिनेप्टिक जो फाइबर है दैट रीचेस द पल्मोनरी प्लेक्सस अब पल्मोनरी प्लेक्सस जब बनता है वहां से जो है फाइबर्स वो सप्लाई करते हैं लंग्स को

तो रिफ्लेक्सिव फाइबर्स के जो फाइबर्स फाइबर्सेशरिंग से ब्रेन स्टेम और वहां से रिफ्लेक्स जो है वो स्टार्ट होता है जो पेन के फाइबर्स है देो दाथ वे सिंपथेटिक फाइबर्स एंड देन दे रीच द

और यहाँ से ये यह बाहर निकल के सप्लाई दी लंग एरिया अच्छा जी अब इसमें एक्शन क्या क्या होता है ठीक है, है? क्या करती है? कराती है और वेजो डायलिटेशन कराती है ये यहाँ पे एक्शन जो है आ, आ, आप देखें कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेटेशन ऑपोजिट है ठीक है ब्रोंको ब्रोंकियल्स को कंस्ट्रिक्ट को कर देगी

आपके ब्रेन स्टेम में अब ये कौन कौन से रिफ्लेक्सिव होते हैं ब्रोंकियल में कोई 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 भी सेंसेशन हो बॉडी चली गई है कोई जरा सी भी आपके के अंदर भी जाती है ब्रोंकिल तक तो बहुत बाद में पहुंचती है तब भी एकदम कफ शुरू हो जाती है तो वो इरिटेशन होती है मिकोजा में या मसल में क्या है स्ट्रेच एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गया तो ये भी एक रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिगर करता है तो इसकी वॉल्स के सारे कॉन्टेंट्स में आपको सारे बताती हूँ भी इरिटेशन हो रही है मसल्स अगर ज्यादा स्ट्रेचिंग हो गई है इंटर एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है उसको हम कहते हैं हेरिंग ब्यूर हेरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स ठीक है स्ट्रेच रिफ्लेक्स है पलमनरी आर्ट्रीज ये कर, क्या करती हैं रिस्पॉन्ड करती हैं ब्लड प्रेशर को

ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करती है ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए कम हो जाए जो जा है वेन्सो हो, रिसेप्टिव uh, होती है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को रिस्पॉन्ड करती है तो इन सब चीजों से रिफ्लेक्स uh, एक्शन ट्रिगर होता है है ठीक तो ये जो पास अलोंग विद द सेम पाथवे एज द अलोंग वेगस नर्व दैरासिपेथेटिक फाइबर्स के साथ जाते हैं और ये ब्रेन स्टेम तक पहुंचेंगे और वहां से रिफ्लेक्स का जो इफरेंट है वो फिर आएगा और जो भी रिफ्लेक्स होना है कफ रिफ्लेक्स होना है या

या बहुत ज्यादा वो स्ट्रेच हो गया विस्तरा तब पेन होगी या फिर कोई केमिकल्स उसे इरिटेट कर रहे हैं अब केमिकल्स क्या है कोई एसिडिटी है जैसा इलेक्टिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके स्टमक में तो ये केमिकल इरिटेंट ये तीन चीजें जो है वो पेन स्टिमुलस ट्रिगर करती है अंदर विस्रा और ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है थ्रू सिंपथेटिक फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड तक क्यों पहुंचती है क्योंकि सिंपथेटिक फाइबर्स वहां से निकलते हैं so these fibers follow the sympathetic pathway and they reach the spinal cord segment acha ji um relation to humne karna nahi to humne ye kar liya um nerves of the uh, kya humne kar liya nerves of the lungs and the pleura ठीक है अब हम हाँ, आप चाहते हैं कि blood supply भी की जाए तो blood supply lungs में दो तरह की जाती है

और फिर ये दो में डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट लेफ्टी आर्टरीज और लेफ जो पलमंड्री आर्टरीजीड ब्लड लेके आती है और पलमंड्री वेन्स जो है दे आर प्रेजेंट इन इंटर ब्रोंको ब्रोंको एरिया जो एक सेगमेंट होता है उनके दरमियान में जो दो ब्रोंको ब्रोंकोपलमंड्री सेगमेंट्स के दरम्यान में जो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा होता है वेंस वहां पे होती है उसके अंदर नहीं जाती जो सेगमेंट है उसके अंदर सिर्फ आर्टरीज जाती है वेन्स जो है दे आर प्रेजेंट इन दी

अब होता क्या है कि पलमंड्री आर्टरी तो एक होती है वो लेके जाती है कि दोनों साइड साइड पे पे जो वेंस है टू कम आउट ऑफ ईच लंग लेफ्ट पे दो लोब्स हैं दोनों से एक एक पलमंड्री वेन निकलेगी जो राइट साइड पे तीन लोब्स हैं तो अपर टू वाले जो है वो सुपीरियर एंड मिडिल लोब दे फॉर्म वन पलमंड्री वेन और जो लोअर लोब है उसकी अपनी पलमंड्री वेन होती है सो वी हैव टू हैलमंड्री वेन्स कमिंग आउट ऑफ ईच लंग अच्छा जी ये तो मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस कर लिया कि राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से जैसे जैसे आपके इसके साथ साथ ही पल्मोनरी आर्टरीज की डिविजन होती चली जाती है एंड दे फॉलो द ब्रोंकियल ट्री एंड एंटर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स और जो वेन्स होती हैं वो दे आर प्रेजेंट इन द उसके डिस्टल Vein, की ड्रेनेज है, वो वेन से होती है तो आर्टरी सप्लाई तो सब जगह करेंगी लेकिन जो वो ड्रेन करती है दे ओनली ड्रेन अप रूट ऑफ द लंग उससे आगे उससे जो डिस्टल पार्ट है ऑफ द टिश्यूज ऑफ द लंग्स दे आर ड्रेन ऑल बाई दलमी वेन्स ये आपने याद रखना है अच्छा जी हम नेक्स्ट पे चले नेक्स्ट ब्रोंकियल आर्टरीज की बात हो रही है ठीक है मैंने आपको सारा बता दिया टू लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज लेफ्टियल फ्रॉम दी थोड़ा ब्रोंकियल आर्टरीज लेफ्ट साइड पे दो है राइट साइड राइट साइड पे यूजली एक ही होती है तो टू लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज जो है वो तो डिसेंडिंग एटा से डायरेक्टली निकल आई जो राइट ब्रोंकियल आर्टरी है

या आपकी ओरिजिन जो है ब्रोंकियल आर्टरी की राइट right की आपको याद रखनी है और लेफ्ट की टू ब्रोंकियल आर्टरीज हैं दे फ्रॉम दी एओर्टा डायरेक्टली अब वेन uh, की मैंने आपसे बात कर ली एक तो कहाँ uh, कहाँ से ये ड्रेन करती है अब जो ब्रोंकियल वेन्स हैं जो राइट right, uh, जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकियल वेन्स हैं दे एंटर दी दीसरी है सिस्टम क्योंकि वो लेफ्ट uh, साइड पे आपको पता है एसेसरी है येगर सिस्टम है तो लेफ्ट ब्रोंकियल वेंस दे एंटर द एक्सेसरी हेमीएसिगास वेन एंड विच टर्न्स एट द लेवल ऑफ टीए टुवर्ड्स द राइट साइड एंड इट इज द एजिगास वेन अब जो राइट ब्रोंकियल वेंस दे डायरेक्टली एंटर इनटू द एजिगास क्योंकि उनके साथ ही एजिगास वेन पड़ी हुई है दे एंटर इनटू द एजिगास वेन तो ये राइट right और लेफ्ट ब्रोंकियल वेंस और परमनरी वेंस ब्रोंकियल आर्टरीज एंड पल्मोनरी आर्टरीज की बात हो गई uh, तो इस स्लाइड में या आपको यही है कि ब्रोंको पलमंड्री वेन्स ड्रेन अप टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रूट ऑफ द लंग रेस्ट इज ड्रेन बाय द पल्मोनरी वेन्स तो इसकी आगे ये भी बता दी कि ये ड्रेन कहाँ पे कर रहे हैं ये हो गई बात अच्छा जी uh, तो न्यूरोवेस्कुलेचर हो गया लंग्स का और प्लूरा का टूरा का तो विस्तृत विश्रूरा विस्ट्र को तो उसी तरह मिल रही है ब्लड uh, सप्लाई जो लंग्स की है और जो बराइटल uh, फ्लूरा की है वो आपको पता है कि जो कॉस्टल फ्लूरा है वो इंटरकॉस्टल आर्टरीज़ हैं जो सप्लाई करती हैं जो मीडिया फ्लूरा है दैट इज सप्लाइड बाय दी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी इंटरनल थोरेसी की है ब्रांच है वो सप्लाई करती है टू दी मीडियस्टनल प्लूरा क्योंकि वो वहां से गुजर रही है तो इट सप्लाइज दी अच्छा लोबर आर्टरीज लोबर आर्टरीज जो है वो यही है ना जो आ, देखें जो ब्रोंकियल आर्टरीज आएंगी और जो पलमनरी आर्टरीज आएंगी ठीक है ये आगे जाके उसी तरह डिवाइड करेंगी जिस तरह आपकी लोबर ब्रोंकाई है और फिर आगे सेकेंडरी आते हैं टर्शरी आते हैं जिस की होती जाती है, इसी तरह एरिया। है तो ये लोबार आर्टरीज वही है उन्हीं की आगे ब्रांचेस है अजाय सिस्टम का कोर्स बताऊगर सिस्टम में क्या होता है अजाइगर सिस्टम की मैं देखती हूँ कि आपकी निकल आए इसी के यहाँ पे उसके डायग्राम है कि नहीं डायग्राम में से आपको निकाल के बार बार दिखाती हूं ताकि आपको अः मुश्किल ना लगे समझने में यहाँ पे होगा डायग्राम इसने नहीं लगाया ये है ओके

सेगमेंटल uh, होती हैं जिस तरह ये वेगस की है ये सोमेटिक बॉडी वॉल या सेगमेंटल होती हैं सेगमेंटल का क्या मतलब है कि हर सेगमेंट से जिस तरह आपको नजर आ रहा है ना कि वन टू थ्री फोर फाइव ये क्यों है क्योंकि ये बॉडी सेगमेंट्स है बॉडी सेगमेंट्स uh, जिस तरह डेवलपमेंट होती है सेगमेंटेशन होती है बॉडी की और हर सेगमेंट की अपनी आर्ट्री वेन और नर्व होती है हर सेगमेंट के अपनी जो है वो मस्कुलेचर डेवलप होता है और इसकी बोन डेवलपमेंट होती है तो ये वर्टिब्रा डेवलप होती है तो इसी तरह ये इसीलिए तो ये बिकॉज देसियो इन्फीरियर केवा बेसिकली वेस्टा को कर रही है तो इसलिए वो इतनी ज्यादा आपको ये वन टू थ्री फोर फाइव में हम नंबरिंग नहीं उसकी कर रहे होते

सो ये असेंडिंग लंबर है और लेफ्ट आपकी सब कॉस्टल एंड द सब कॉस्टल दे जॉइंट टू फॉर्म दस वेन यहां भी बन रही है लेफ्ट साइड पे लेकिन उसका क्या नाम है हेमी अजाइगस जो राइट साइड पे बन रही है वो है अजाइगस अब ये अजाइगस वेन जो राइट साइड पे है ये हर और ये हर इंटरकोस्टल स्पेस से ये अपनी ट्रिब्यूटरी लेती चली जाती है फिफ्थ तक तो इसने ले ली उसके बाद सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो है ये ज्वाइन करती है और फिर एंटर करती है एज आई का सिस्टम

वेन बनाएंगी जिस सा राइट साइड पे राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन है सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टलिकली एंडली इन दोनों के बीच में से नर्व में से गुजर के ये कहाँ पे जाती है इट एंटर्स देंड इन टू द लेफ्टेन ठीक है ये हो गई अब सेकेंड तक दोनों हो गए राइट एंड लेफ्ट जो फर्स्ट है फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन फर्स्ट वाली राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड वाली बोथ ऑफ एंटर लेफ्ट वाली जो है लेफ्ट ब्रेक्यो सेफेलिक वेन जो राइट वाली है इट इज गोइंग टू एंटर द राइट ब्रेक्योफेलिक अब ये जो इंटरकॉस्टल वेन्स है ये सारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स है जो इंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स है दे आर गोइंट टू एंटर द इंटरनल थोरेसिकल आर्ट्रीज है ये पुस्टीर इंटरकोस्टल का है तो ये आपको याद रखना है की फर्स्ट तो एंटर करती है ब्रेकि राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे सेकेंड थर्ड फोर्थ ज्वाइन करती है सुपीरियर इंटरकॉस्टल

हेमी uh, एजैगस uh, बना देती है कोर्स इसका क्या होता है कोर्स एजैगस वाली जो है ये स्टार्ट जो होती है ये समझे एब्डोमिनल एरिया में है दे एंटर दी एंटर थ्रू दी एजैगस जो वेन है एंटर्स टू दी एयोटिक हाइडस ऑफ द डायफ्राम टी12 के लेवल पे एंटर्स द पोस्टीरियर मीडियास्टनम और फिर uh, ये असेंड करती है इन द पोस्टीरियर मीडियास्टनम और पोस्टीरियर मीडियास्टनम में दोनों साइड ये जब uh,

ये आपको सारों की ड्रेनेज पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं सो दिस वॉज अबाउट दी अजाइगस सिस्टम एंड दी हेमी अजाइगस सिस्टम तो आपके मीडियास्टनम के uh, ये uh, वीनस ड्रेनेज भी हो गई uh, हमने नर्व भी रिवाइज कर ली है Uh, what else? Then we have done the neurovascularity of the lungs and the pleura. We have done that also. काफी चीजें रिवाइज हो गई आपकी. Uh, कुछ हम मेरे ख्याल हार्ट हम छोड़ देते हैं फॉर लेक्चर uh, और बता दें और क्या आप रिवाइज आज करना चाहते हैं अच्छा हाँ यू वॉन्टेड मी टू रिवाइज द जॉइंट्स है ना आई जस्ट रिमेम्बर्ड तो मैं जॉइंट्स वाला निकालती हूँ थोड़ा सा वॉल निकालती हूँ also bones and joints of the thoracic wall. अच्छा जी जॉइंट्स अब जो थोड़ा सी कॉल जॉइंट्स आप करते हैं तो जॉइंट्स एक तो बोन आपकी स्टर्नम है

उसके बाद ये ज्वाइंट करती है रिब्स मेक अ जॉइंट विद दस्टल कार्टलेजेस कार्टलेजेस अ जॉइंट विद दी स्टर्नम ठीक है उसके बाद फिर दिन इनके अपने जॉइंट्स भी होते हैं विद इन दी दर्टलेजेस जो अपने जॉइंट्स भी होते हैं एथ नाइन्थ ये जो है दी करते हैं विद दी दस्टल कार्टलेज ऑफ द सेवंथ तो ये कॉस्ट्रोकॉन्ड्रल जॉइंट्स भी है और स्टर्नल जॉइंट्स भी है और ये रिब्स के भी जॉइंट हैं

Uh, यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होती है सो so, अगर आप उसके बाद uh, uh, अच्छा, अच्छा, ये तो ट्रांसफर्स लिगमेंट अच्छा ये जो जॉइंट है इनकी लिगमेंट फिर एक तो ट्रायर एक तो रेडिएट लिगमेंट जो है वो हेड जो डेमी के बीच में है वहां से रेडिएट निकलती है और है

ये हैं ठीक है थीके? तो आ, अच्छा शेयर करती स्लाइड अच्छा, तो ये दिखाई है, ये है आ, ये जो अपर पे चली जाएगी और ये नेक के साथ जो आ रही है ये कॉस्टोट्रांसफर्स है इट इज ओनलीस्टोट्रांसफर्स अच्छा अब आपके कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स अगर आप देखें जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स कौन से हैं जो रिब और आ,

कॉस्टल स्टल हैं उनके दरमियान अब पहला जो है, या भी कहते हैं, से तक जो है वो प्लेन साइनोवियल तो एक तो आप याद रखें और जो कॉस्टल कार्टलेजेस है उनके दरमियान तो है ही प्राइमरी उसके बाद जब स्टर्नल कॉस्टल शुरू करते हैं तो पहला प्राइमरी कार्टलेजनस है सेकंड टू सेवन जो है वो प्लेन साइनोवियल जॉइंट है इंटरकॉन्डल जॉइंट भी है बिकॉज

तो प्राइमरी कार्टलेजनस जो जॉइंट है वो तीन है कॉस्टोकॉन्ड्रल फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल और जीफी स्टर्नल और उसके अलावा जो सेकेंडरी uh, कार्टलेजनस है वो मोन स्टर्ना है स्टर्नल प्लस इंटरवर्टेबल जो है सेकेंडरी कार्टलेजनस है बाकी जो है वो आपके सारे प्लेन साइनोवियल है स्टर्नो क्लाविकुलर तो इसमें आ जाता है क्योंकि स्टर्नम है uh, तो ये सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है ये या आपको याद रहना चाहिए अपर अपरलिम से हमने ये किया था तो ये जॉइंट्स जो है इनका या तो इस तरह बना लें जो मैंने बनाया है मुझे इस तरह ज्यादा ईजी लगता है या जो आप के बुक में बना हुआ है जो टेबल बना हुआ है उसको याद कर लें ठीक है तो मूवमेंट जो है वो जो जॉइंट्स के अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती प्लेन सनोवियल ज्वाइंट में भी आपको पता है कि इतनी मूवमेंट नहीं होती और स्टेनोक्लाविक की भी इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो मूवमेंट्स इनमें इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन ये joints के याद करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से जॉइंट्स है और जो इनकी आप लेगमेंट्स भी याद कर लें ठीक है तो ये हो गए आपके जॉइंट्स ऑफ दसिक वॉल ये आपने कहा था कि रिवाइज करा दें, और मुझे याद नहीं आ रहा और कोई आपने कोई टॉपिक कोई कहा हो थोड़ा सी कॉल का भी हो ग्रेट वेसल्स ऑफ मीडिया का ओवरव्यू अच्छा ओवरव्यू तो आप ऐसे कहते हैं ना कि ओवरव्यू की बस आपको नाम बता दे. ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि रिवाइज सारा कुछ ही हो जाए ठीक है ठीक है डायफ्राम डॉक्टर उजमा कराएंगी आपको शी सेड के आप लोगों ने कहा हुआ है तो वो करा देंगी तो ग्रेट वेसल्स ऑफ मीडिया अब ग्रेट वेसल्स ऑफ मीडिया में क्या क्या आ जाता है मीडियास्टनम के अंदर वेसल जो मेन आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है सुपीरियर मीडियास्टनम में इसका आर्ट जाता है और इंफीरियर मीडियास्टनम में इसकी डिसेंडिंग आयो, आती है या थोरेसिकोटा आती है तो मेरा ख्याल है ये डायफ्राम और ये डिसेंडिंग एयोटा जो है हम इट To Uzma, to revise. Uh, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया हुआ है तो नर्स में आपको खुद पढ़ाना चाहती थी जस्ट टू के आपका concept, आप, आपका जरा हो जाए दो तीन बातें जो है वो आपको बताना जरूरी था कि इनको डिफ्रेंशियट करने के लिए how will you differentiate between and FN, बड़ी कंफ्यूजन होती है तो डायफ्राम वो करवा देंगी और जो है ग्रेट वेसल वेसल्स बेटा मैं कोशिश एक उनको कहूंगी डॉक्टर उस्मा को क्या आपको करा दें बिकॉज uh, मैं चाह रही थी कि कोई हार्ट का कोई मसला चलो मैं नेक्स्ट uh, में फिर आपको डिसेंडिंग uh, थोड़ा से क्योटा करा देती हूँ ठीक है आज आर्चर क्योटा करा दूंगी एंड देन आई विल डू द डिसेंडिंग ओके निदा वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर और uh, कोई एनीथिंग एल्स टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया है टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है हमारे पास तो कोई और चीज और चीज तो मेरा ख्याल सारा कुछ काफी कुछ हो गया हमने हार्ट भी बार बार रिवाइज कर लिया है उसकी नर्व सप्लाई और उसकी वो एंड एवरीथिंग और आर्टरीज भी हमने पिछली दफा रिवाइज कर ली थी लेकिन और हार्ट के बारे में अगर और कुछ रिवाइज मेन स्ट्रक्चर हार्ट का कर रिवाइज करना चाहते हैं या कुछ तो कंडक्टिंग सिस्टम भी वैसे तो हमने रिवाइज कर लिया था तो ठीक uh, ठीक है 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 हमारा फ्राइडे को थोड़ा आपकी फरमाइश पे uh, राइट और लेफ्ट दैट इज आई इंटेंड टू डू मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये करूंगी कि आई विल क्विकली गो थ्रू द हार्ट रीजन और, main, main और उसके मेन मेन पॉइंट्स जो है उसके चेम्बर्स के और सारा कुछ हम वो कर लेंगे ठीक है और फिर हम डिटेल uh, में थोड़ा कर लेंगे आर्च ऑफ एंड ठीक है ये हम इस तरह कर लेंगे हार्ट का रीजन कवर कर लेंगे इस दफा आज हमने ये लंग्स और पूरा कर लिया और हमने जॉइंट्स भी कर लिए वेन um, भी कर ली काफी कुछ हमने जल्दी जल्दी में कर लिया तो कल परसों दैट इज ऑन फ्राइडे वी हैव अ लेक्चर फ्रॉम टेन टू इलेवन वी विल डू हार्ट का जो पोर्स है उसमें जो जो चीज आप रिवाइज करना चाहते हैं